पेट्रोल, इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा हजरात हजरात हजरात। जी हाँ, इस डायलॉग और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म देखकर इंडस्ट्री में धूम मचाने वाले जीशान कादरी यानी डेफिनेट भाई, जिन्होंने फैसल खान का मर्डर किया था फिल्म में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान भाई, ये बताइए कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 दी, पब्लिक इंतजार कर रही है तीसरी कब आएगी? थोड़ा सा समय लग रहा है मगर अच्छी चीज़ को आने में थोड़ा टाइम भी लगता है। क्या होता है कि जब पार्ट 3 के बारे में बात हुई थी तो पार्ट 3 के बारे में बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ खोजा, पर उस टाइम पे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर बात हुई कि 1.5 करते हैं, कुछ बीच की कहानी निकालते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 की, तो निकली है। मगर आपको पता ही है कि इतनी बड़ी कल्ट फिल्म है कि उसको लिख देना आप तीसरे पार्ट को इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा समय लग रहा है। मगर तो कहानी कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह ही वासेपुर गांव के ही आसपास घूमेगी, और क्या ये उसी का पार्ट होगा आगे भी? हाँ हाँ, बिल्कुल उसी का पार्ट होगा। अगर होगा तो ऑफकोर्स वही कहानी है तो वही रहेगा, मगर अभी थोड़ा सा कहना थोड़ा सा जल्दी होगा इसके बारे में। आपने एक्टिंग की भी शुरुआत की थी, बताया जाता था कि आपने लिखने का जो मेहनताना था वो नहीं लिया था और आपने उसमें एक रोल लिया था डेफिनेट, जो बहुत सुपरहिट हुआ था और फैजल भाई के कातिल भी आप उसमें बने थे। इसके बाद क्या आपने ये नहीं सोचा कि एक अच्छा एक्टर आप साबित हुए थे, तो आपको नहीं लगा था कि एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहिए, आप वापस फिर लिखने पर आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि एक्टिंग पर हाथ आजमाना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए जिसमें मेरे मन लायक हो, और उससे ज़्यादा मन मेरा कहीं ना कहीं राइटिंग डायरेक्शन प्रोडक्शन में लगने लगा। उसके बाद मैंने एक फिल्म की थी मेरेठिया गैंगस्टर, जिसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की थी, और अभी बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, जिसमें से एक फिल्म है जिसमें अभी लव रंजन है, जिन्होंने सोनू की टीटू की स्वीटी भी लेटेस्ट बनाई थी, तो उनके लिए फिल्में लिख रहा हूँ। 3 फिल्में लिखी हैं, तो उसमें से एक फिल्म जो है अभी फ्लोर पर जा रही है, तो दुर्रम खान नाम है फिल्म का, हंसल मेहता जो है हंसल सर वो डायरेक्ट कर रहे हैं, राजकुमार राव हैं, नुसरत भरूचा है उसमें, तो राइटिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। डायरेक्शन का ये है कि एक लव भाई के लिए एक फिल्म लिख रहा हूँ जो डायरेक्ट करने की भी बात चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत कॉमेडी है, तो उनका कहना है कि तूने इतना क्राइम का भी कर लिया तो भी कॉमेडी भी कर लो। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर दिया, मेरठिया गैंगस्टर दिया, मतलब हर तरफ की जो गैंग्स और क्रिमिनल्स हैं उनको दिखाया, हर एक चीज़ दिखाई, क्या आपने डार्क कॉमेडी भी की है? क्या आपको लगता है कि पूरी तरह एक जो क्रिमिनल राइटर है वो एक अच्छी कॉमेडी भी लिखेगा और आप कोई फिल्म कॉमेडी बेस भी पूरी तरह बनाएंगे लोगों को हंसाने के लिए? नहीं, बना रहा हूँ, ऑफकोर्स मैंने लिखी है, बनाऊँगा नेक्स्ट ईयर तक। अब ये तो ऑडियंस बताएगी, ये तो आप बताएंगे कि कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, कोशिश तो पूरी है। और जहाँ तक बात है, हंसी हमें तो बहुत आ रही है अभी लिखते टाइम पे, जिनको सुना रहा हूँ उनको बहुत मज़ा आ रहा है, लव भाई ने बड़ा इन्जॉय किया उस चीज़ों को, काम चल रहा है उस पर। और मैं कभी भी डार्क पे बिलीव नहीं रखता कि मैं बहुत डार्क फिल्म बनाऊँ, तो अगर आप वासेपुर भी देखोगे तो उसमें कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं बड़े ह्यूमरस थे, कैरेक्टर्स ऐसे थे जिससे आप देखो तो आपको हंसी भी आए, थोड़ा सा रियल भी लगे, तो मेरी मेरठिया गैंग्स में भी वैसी थी जिसको आप डार्क ह्यूमर बोलते हो, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे डार्क बनाना है तो मैं उसमें ह्यूमर रखूंगा, क्योंकि इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, इस वक्त आप देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रखी है, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया, आप मानते हैं कि क्या ऐसी तरीके की भी चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में? क्यों नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी, मगर आप अगर इस इंसिडेंट को सामने रख के बोलेंगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिसके साथ हुआ है वो ना तो मैं जज हूँ, ठीक है, ना तो मैं उस सर्कल का हूँ कि मुझे बहुत इंटरनली पता हो, और 10 साल पहले तो मैं इंडस्ट्री में भी नहीं आया था, है ना, तो मैं तो अभी आया हूँ इंडस्ट्री में, 7-8 साल 9 साल हो रहे हैं। अब बाकी जो साथ के लोग हैं वो जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो इसी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कोई तनुश्री दत्ता को सपोर्ट कर रहा है, चाहे नाना पाटेकर सर को सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या जो भी होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किन पर आप काम कर रहे हैं? अभी ये जो नया लुक आप देख रहे हैं, दाढ़ी वाढ़ी रखा हुआ, तो ये फिल्म कर रहे हैं अश्विनी चौधरी, जिन्होंने धूप बनाई थी, तो अश्विनी सर का कॉल है, एक फिल्म बना रहे हैं वो सेटस करके, तो उसमें शिवस्थल पड़े हैं और जमील खान है, आफ्ताब शिवदसानी है, तो उसमें मैं भी एक रोल कर रहा हूँ, तो अच्छा इसीलिए दाढ़ी बनाई गई। हाँ, तो उसके नए रोल के लिए दाढ़ी बनाई गई, बहुत दिनों के था एक्टिंग किए हुए, तो उन्होंने कहा अभी चलो एक फिल्म कर लो, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं एक फिल्म, मैंने ज़्यादातर मेरा जो है वो राइटिंग पे ही चल रहा है, राइटिंग और डायरेक्शन पे। तो जाहिर तौर पर जीशान कादरी, जिन्होंने तमाम तरीके के गैंग से रूबरू कराया, जुर्म के तमाम सीरत और सूरत से लोगों को रूबरू कराया, अब वो लोगों को हंसाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही तमाम फिल्म रुपहले पर्दे पर आप इनकी बतौर राइटर डायरेक्टर और एक्टर भी देखने वाले हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।